आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे इतिहास के बारे में और जानेंगे आज की हमारी खबरों के सिलसिले के बारे में। पहले हम बात करते हैं आज के हमारे इतिहास के बारे में। आज हमारे इतिहास में क्या हुआ है, आज किस महान पुरुष का जन्मदिन है, आज किस महान पुरुष की मृत्यु हुई है और आज कौन सा दिवस है। पहले हम बात करते हैं कि आज कौन सा दिवस है, आज गुरु पूर्णिमा है। आज किस महान पुरुष का जन्मदिन है, आज गुरु दत्त का जन्मदिन है, जिनका जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 1964 को हुई थी। आज संजीव कुमार का जन्मदिन है, जिनका जन्म 9 जुलाई 1938 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 6 नवंबर 1985 को हुई थी। आज के बालाचंदर का जन्मदिन है, जिनका जन्म 9 जुलाई 1930 को हुआ था। आज सत्य नारायण सिन्हा का जन्मदिन है, जिनका जन्म 9 जुलाई 1900 को हुआ था। अब हम बात करेंगे कि आज किस महान पुरुष की मृत्यु हुई थी। आज शेरी भोपाली की मृत्यु हुई थी, जिनकी मृत्यु 9 जुलाई 1991 को हुई थी। आज 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यह है आज का इतिहास। करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और पहली खबर हम लेते हैं G20 समिट से। 8 जुलाई को G20 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन था। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन पेरिस समझौते के ऊपर चर्चा हुई। G20 समिट में 19 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने पेरिस समझौते को आगे ले जाने की बात कही। अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर ही रहा। हम आपको यह भी बता दें कि जब भी G20 समिट आयोजित किया जाता है हमेशा की तरह ही यहां पर विरोध प्रदर्शन होता रहा है और इस बार भी हो रहा है। इस बार अमेरिका के पेरिस समझौते से अलग हो जाने पर यह विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की और अगली खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से। हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल में कल एक भोजपुरी मूवी का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। इस फोटो में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार को दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बशीरघाट में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके कारण बशीरघाट में फिर से हिंसा हुई। इससे पहले भी हम आपको ये बता दें कि एक 17 साल के लड़के ने सोशल मीडिया पर इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। जब से ही यह हिंसा जारी है और दोनों को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की और अगली खबर आ रही है लालू प्रसाद यादव के यहाँ पर CBI छापे की। हाँ दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर CBI की कार्यवाही चल रही है। ED ने भी 1000 करोड़ के मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति से पूछताछ की जा रही है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की और अगली खबर आ रही है कि आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन गुरु की पूजा की जाती है। नासा ने पहली बार चांद की फोटो शेयर की है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने में पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन गुरु की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की और अगली खबर आ रही है हमारे कारोबार से जुड़ी हुई। कारोबार जगत के अंदर हम पहली खबर लेते हैं GST से जुड़ी हुई। GST लागू होने से पहले टैक्स ऑफिसर दुकानदार के पास जाकर अवैध उगाही करते थे, जिसके कारण दुकानदार हो या बिजनेसमैन सभी परेशान रहते थे। GST लागू होने के बाद टैक्स ऑफिसर कारोबारियों के यहाँ टैक्स की अवैध उगाही करने नहीं जा सकते। अगर कोई टैक्स ऑफिसर आपके पास आ जाता है तो आप शिकायत कर सकते हो। गवर्नमेंट ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर है 01-233-70-115। अरुण जेटली जी ने सैटरडे को GST मोबाइल ऐप भी जारी किया है। इस ऐप की हेल्प से GST रेट कितनी चल रही है इसका पता कर सकते हो। यह ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की और अगली खबर आ रही है GST टैक्स चोरी करने के मामले में। हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार GST आने के बाद कारोबारियों ने GST टैक्स को बचाने का तरीका भी खोज निकाला है। जूता व्यापारी एक जोड़ी जूतों के दो बिल बना रहा है। क्यों बना रहा है वो दो बिल, इसका हम आपको बता दें, क्योंकि 500 रुपये से जो ज़्यादा है उसके ऊपर 18% GST लगेगा और जो 500 रुपये से कम है जूतों की रेंज उसके ऊपर 5% GST लगेगा।
तो जो व्यापारी है वो अपने प्रोडक्ट पर सिर्फ 5% GST ही लगने देना चाहते हैं। इस कारण वो जूतों के 2 जोड़ी बिल बना रहे हैं, क्योंकि 2 जोड़ी बिल बनाने पर जो उनका अमाउंट है, जूतों की टोटल कीमत है, वो आधी आधी हो जाएगी। तो इस कारण कारोबारियों को फ़ायदा होगा। और कपड़ा व्यापारी सलवार और दुपट्टे के अलग अलग बिल बना रहे हैं, ब्रांडेड चावल पर 5% GST है। तो व्यापारी क्या कर रहे हैं, जो अपना ब्रांडेड मार्क है उसका रजिस्ट्रेशन वो रद्द करवा रहे हैं। तो इस प्रकार जो व्यापारी है वो GST लागू होने के बाद GST टैक्स की चोरी करने के उपाय उन्होंने ढूंढ निकाले हैं। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी। हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट 4000 कर्मचारियों की छटनी करने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के CIO ने भी अपना जो इस्तीफा है उसकी देने की घोषणा कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट के CIO का नाम है जिम डुबोइस। इनको 2013 में माइक्रोसॉफ्ट का CIO बनाया गया था। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है मोबाइल अपडेट से जुड़ी। हाँ दोस्तों, आपने अभी तक अपना मोबाइल अगर बैंक अकाउंट में अपडेट नहीं किया है तो आप अपना मोबाइल अपने बैंक अकाउंट में अपडेट करा लीजिए, नहीं तो बैंक कई ज़रूरी सेवाएँ आपको वंचित कर सकता है। हम आपको ये बता दें कि RBI ने कहा है कि यदि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन की सूचना पहले बैंक आपके मोबाइल पर भेजता है, इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर अकाउंट के अंदर अपडेट करा लेना चाहिए। यदि आपने अपना मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के अंदर अपडेट नहीं कराया तो इस प्रकार होने वाले फ्रॉड ट्रांजेक्शन की सूचना आपके मोबाइल पर SMS के द्वारा नहीं आएगी, जिसके कारण आपको जो आपके पैसे हैं उनका लॉस हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है GST इफेक्ट के से जुड़ी। कोलगेट पामोलिव जो कंपनी है उसने अपने प्रोडक्ट पर 9% के करीब कटौती की है, क्योंकि उनके ऊपर जो GST का टैक्स है वो कम हो गया है, और इसका फ़ायदा कोलगेट पामोलिव अपने जो कस्टमर है उनको दे रही है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है हमारे मनोरंजन जगत से जुड़ी। हाँ दोस्तों, कपिल शर्मा शो की खबर हम पहले लेते हैं, और हम ये माने कि हिंदुस्तान टाइम के अनुसार फ्राइडे को कपिल शर्मा शो की शूटिंग के लिए शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टूडियो पहुँचे थे। वो यहाँ पर जब हेरी और मेट सेजल का प्रमोशनल इवेंट शूट करने आए थे, लेकिन बिना शूट किए ही वो दोनों वापस चले गए, क्योंकि कपिल शर्मा सेट पर बेहोश हो गए। इन दिनों कपिल शर्मा काफ़ी टेंशन में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है सलमान खान की मूवी ट्यूबलाइट से जुड़ी। हाँ दोस्तों, सलमान खान की मूवी ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर पहले जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाई। इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब सलमान खान इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है सबसे बड़ा कलाकार एक ये TV शो है जो सोनी TV पर आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा कलाकार रियलिटी TV शो सोनी TV पर आता है। सबसे बड़ा कलाकार शो का यह Season 1 है। इस शो में जो जज बने हैं उनका नाम है रवीना टंडन, हर्षद वारसी, बोमन ईरानी। यह शो 8 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ था। इस शो का जो विनर है वीरत त्यागी, उसकी उम्र 7 साल की है और वो लखनऊ का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है बॉक्स ऑफिस से। हाँ दोस्तों, इस फ्राइडे को 2 मूवी रिलीज हुई थी। पहली मूवी रिलीज हुई थी मोम, और दूसरी मूवी रिलीज हुई थी गेस्ट इन लंदन। तो हम आपको बताएंगे कि मोम मूवी की एक दिन की कमाई क्या है और गेस्ट इन लंदन की एक दिन की मूवी की कमाई क्या है। तो एक दिन के अंदर मोम मूवी ने कमाए 3,50,00,000 और गेस्ट इन लंदन मूवी ने एक दिन में कमाए 2,10,00,000। और ये जो हमको खबर मिली है ये रमेश भल्ला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर आ रही है हमारे खेल कूद से जुड़ी। हाँ दोस्तों, कल मैच हुआ था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच। पहला टेस्ट मैच का तीसरा दिन था। तीसरे दिन क्या स्कोर रहा इसके बारे में हम बात करते हैं। इंग्लैंड ने बनाए पहली पारी में 458 रन, और दूसरी पारी में अभी खेल रही है इंग्लैंड और दूसरी पारी उनकी चल रही है उसमें उन्होंने बनाए 119 रन।
एक विकेट खोकर 51 ओवर के अंदर। और जहां पर साउथ अफ्रीका का सवाल है, साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 361 रन बनाए हैं। अब हम बात करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2017। हाँ दोस्तों, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के कल मैच हुए थे, उसके रिजल्ट के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच कल 17वां मैच खेला गया था। यह मैच टोरंटो में खेला गया था और इस मैच के अंदर पाकिस्तान वुमेन ने 144 रन बनाए 46.5 ओवर के अंदर। वहीं पर न्यूजीलैंड वुमेन ने 147 रन बनाए 2 विकेट खोकर 15 ओवर के अंदर। और इस प्रकार यह मैच न्यूजीलैंड वुमेन ने 8 विकेट से जीत लिया। अब हम बात करते हैं अगले मैच की। कल आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का मैच, अगला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वुमेन और इंडिया वुमेन के बीच। तो ये 18वां मैच था और ये लिएस्टर में खेला गया था। तो इस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका वुमेन ने पहले खेलते हुए 273 रन बनाए 9 विकेट खोकर 50 ओवर के अंदर। वहीं पर इंडियन वुमेन ने 158 रन बनाए 46.0 ओवर के अंदर। और इस प्रकार यह मैच साउथ अफ्रीका वुमेन ने 115 रन से जीत लिया। और कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच चौथा ओडीआई मैच भी खेला गया था। इस मैच के अंदर श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए 6 विकेट पर 50 ओवर के अंदर। वहीं पर जिम्बाब्वे ने 219 रन बनाए 6 विकेट खोकर 29.2 ओवर के अंदर। इस प्रकार यह मैच जिम्बाब्वे ने 4 विकेट से जीत लिया। हम आपको यह बता दें, कल के मैच में बरसात आ गई थी। अब हम बात करते हैं आज के मैच की। हाँ दोस्तों, आज कौन सी टीम के बीच मैच होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। आज आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का मैच है, इंग्लैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलियाई वुमेन। यह 19वां मैच होगा और यह खेला जाएगा ब्रिस्टल में और यह दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होगा। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का आज दूसरा मैच भी है, वो है वेस्ट इंडीज वुमेन और श्रीलंकाई वुमेन के बीच। यह 20वां मैच होगा और यह डर्बी में खेला जाएगा और दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होगा। अब हम आपको ये भी बता दें कि आज वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच भी मैच है और यह T20 मैच होगा और यह जमैका में खेला जाएगा और यह रात्रि के 9 बजे स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, यह है आज की खबर चैनल में आज की खबरों का सिलसिला और आज का हमारा इतिहास। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।